हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम सीखेंगे फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है गाइस, पर इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। जो भी आपको डाउट्स होते हैं ना, ये फॉरेन की क्या होता है, ये सब सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलिए देख ले जान लेते हैं फॉरेन की के बारे में। इसका रिलेशन भी मैं और कीज से भी बताऊंगा गाइस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। अगर इससे पहले का आपने लेक्चर नहीं देखा है पर जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज MySQL सीख लेते हैं गाइस। सो गाइस, फॉरेन की, ये फॉरेन की सबसे पहले जान लेते हैं फॉरेन के बारे में। फॉरेन की एक ऐसी की होती है जो ना दूसरे की से डिराइव्ड होती है। मतलब ये की ऐसी होती है ना जो दूसरे पे डिपेंड करती हो, दूसरे के की पे ना डिपेंड करती हो। गाइस अगर आपको अभी कुछ अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, आपने डेफिनेशन तो इसका पढ़ाई होगा। फॉरेन की विच डिराइव फ्रॉम अदर की, यही तो मैंने आपको बताया गाइस। तो अब चलिए देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कि इसका वर्क क्या होता है। सो गाइस पहले हम समझ लेते हैं गाइस। जैसे मैंने ये स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया था गाइस, जैसा कि आपको याद ही होगा स्टूडेंट नाम का मैंने एक टेबल बनाया था, राइट गाइस। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइब्रेरी में जाते हैं, पहले हम समझ लेते हैं, पहले हम एग्जांपल इधर समझते हैं गाइस। आप स्कूल में रहते होंगे, राइट गाइस। तो आप ना कभी लाइब्रेरी में जाते होंगे, लाइब्रेरी में आप मान लीजिए बुक इशू कराए, आज आप गए लाइब्रेरी में कोई बुक इशू कराए, फिर आप आ गए, फिर उसके अगले दिन गए इशू करा लिया। तो अब लाइब्रेरियन जो आपके टीचर होंगे वो किसी चीज़ में स्टोर करेंगे, अगर मान लीजिए वो ना एसक्यूएल में ही MySQL में ही स्टोर करना चाहते हैं, तो वो ना MySQL में कैसे स्टोर करेंगे आप, वो बाद में कैसे देखेंगे कि ना, मान लीजिए जब आप ना चाहते हैं उन सर से कि सर मैंने कौन कौन सी बुक इशू की है मुझे बता दीजिए, तो अब जो आपके लाइब्रेरी सर होंगे वो कैसे आपको दिखाएंगे कि ना आपने ना कौन सी डेट को आपने कौन कौन सी बुक इशू कराई थी, ये वो लाइब्रेरी सर कैसे आपको दिखाएंगे। तो वही फॉरेन की क्या यही यूज़ होता है कि ना फॉरेन की क्या करता है, ये ना इजिली बता देता है कि इस बंदे ने इस डेट को ये इशू कराया था। बस थोड़ा बहुत ये अभी समझिए, फिर अभी मैं जब एग्जाम्पल के थ्रू जब आपको रन प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा तो आपको उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, राइट गाइस। तो चलिए अब उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत फॉरेन की के बारे में समझ में आ गया होगा। तो गैस फॉरेन की को मान लीजिए ना, जो ये हमने स्टूडेंट है, यानी कि मैंने स्टूडेंट नाम का ये टेबल बनाया था, राइट गैस। मान लीजिए आपकी क्लास में इतने स्टूडेंट रहते हैं, राइट गैस। तो अब यहाँ पे ना इनका ये रोल नंबर है। अब मैंने प्राइमरी की वाले वीडियो में ना आपको भी बता दिया था कि ये हमने ना ये रोल नंबर नाम की जो कॉलम को इसको प्राइमरी की बना दिया था। पहले इसको देख लेते हैं, आपको मैं एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिस्क्राइब करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए रोल नंबर को हमने पहले ही से ना प्राइमरी की डिफाइन करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए ये रोल नंबर हमारा प्राइमरी की बना हुआ है पहले ही से, राइट है। अब यहाँ पे देखिए गैस, ये जो हमारा स्टूडेंट का टेबल है, मान लीजिए कि ना इतने स्टूडेंट आपकी क्लास में रहते हैं और ना अब ये गए ना लाइब्रेरी में और बुक इशू कराया इन्होंने कुछ, तो हम एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे, तो उसमें हम ना स्टोर करते जाएंगे कि इस डेट को इस बंदे ने ना ये स्टोर कराया। तो अब चलिए हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं फॉरेन की के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं फॉरेन की बनाते कैसे हैं। तो सिंपली हमें कुछ करना नहीं है, सब उसी की तरह होता है, क्रिएट टेबल। चलिए मैं लाइब्रेरी के नाम से एक टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल लाइब्रेरी। यहाँ पे मैं चलिए डिफाइन कर लेता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं बुक की आईडी डिफाइन कर लेता हूँ कि बुक की आईडी क्या होगी। तो बुक की आईडी सबसे पहले इनपुट करा लूँगा लाइब्रेरी वाले सर से, जो जब वो इनपुट करेंगे तो लाइब्रेरी, यहाँ पे मैं लिख दिया बुक, चलिए बुक आईडी लिख देता हूँ, राइट गाइस। इसको मैंने INT डिफाइन कर लिया और गाइस इसको मैं प्राइमरी की बना, जरूरी नहीं कि मैं प्राइमरी की बनाऊँ, पर बुक आईडी हमेशा यूनिक ही होती है, तो यहाँ पे मैं यूनिक की भी लिख सकता हूँ, प्राइमरी की भी लिख सकता हूँ, तो पर मैं यहाँ पे प्राइमरी की बना ले रहा हूँ। आप चाहते हैं कि प्राइमरी की ना बनाए तो कोई बात नहीं, आप मत बनाए प्राइमरी की, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो अब यहाँ पे बुक आईडी, बुक नेम चलिए कर लेता हूँ बुक एन, एन से आप समझ जाइएगा नेम है, करेक्टर। यहाँ पे चलिए यहाँ पे 15 डिजिट के लेटर्स के बुक के नेम स्टोर करा लूंगा, राइट। अब यहाँ पे चाहता हूँ बुक को किसने इश्यू कराया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट बी, स्टूडेंट रोल, राइट। आप स्टूडेंट रोल की ना कौन से रोल नंबर के स्टूडेंट ने ना बुक को इश्यू कराया है, राइट गाइस।
तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस टी यू स्टूडेंट रोल नंबर, राइट गाइस। तो अब मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेता हूँ INT, क्योंकि रोल नंबर तो इंटीजर में ही होगा। गाइस इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको फॉरेन की का इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। फॉरेन की से सारी रिलेटिव जानकारी आपको मैं इस वीडियो में पूरी देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर को INT डिफाइन कर लिया, राइट गाइस। अब मैं इंटरप्रेस कर लेता हूँ। अब हमको फॉरेन की बनाना है। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट रोल नंबर है फॉरेन की, अब समझेंगे कैसे कि हमको फॉरेन की बनानी कौन सी है। तो जो आप टेबल, ये न्यू टेबल जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें ना कोई ऐसा कॉलम होगा जो ना किसी दूसरे टेबल के कॉलम पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर है वो ना इस स्टूडेंट के यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम और क्लास लिखा हुआ है, राइट गाइस। तो अब मैं ना यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे इसलिए इनपुट करा रहा हूँ कि ना जब मुझे पता करना हो कि ना इस नाम से इतनी बुक इशू, इस रोल नंबर से इतनी बुक इशू हुई, तो ये रोल नंबर का बंदा है कौन, तो उस तब हमने जब हमको रोल नंबर नाम का वो बंदा चाहिए होगा तो हम इस टेबल में दिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टूडेंट रोल नंबर है वो हमको स्टूडेंट रोल नंबर इस स्टूडेंट टेबल का चाहिए, राइट गाइस। तो इसका मतलब कि हमको स्टूडेंट रोल नंबर को ना फॉरेन की बनाना है। तो फॉरेन की चलिए लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे फिर की, राइट गाइस। अब किसको आप फॉरेन की बनाना चाहते हैं, अब उस इस टेबल में गाइस लाइब्रेरी वाले टेबल में किसको आप फॉरेन की बनाना चाहते हैं, तो वो है स्टूडेंट रोल नंबर। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे स्टूडेंट रोल नंबर STU। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट रोल नंबर, फिर क्या करेंगे रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस मतलब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए गाइस, रेफरेंस मतलब यहाँ क्या होता है कि ना आप किससे, किस टेबल की बेसिस पे करना चाहते हैं, कौन सी टेबल पे, तो हम कौन सी टेबल पे बेसिस पे, यहाँ रेफरेंस कमांड के इसलिए यूज होता है कि ना ये हम SQL को बता देता है कि ना कौन सी यूजर ना कौन सी टेबल पे चाहता है कि ना डिपेंड हो, ये जो हमारा लाइब्रेरी टेबल है वो कौन सी टेबल पे डिपेंड हो, इसका जो स्टूडेंट रोल नंबर है वो कौन सी टेबल पे डिपेंड हो। तो हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर कॉलम जो है उस पे डिपेंड हो। तो ठीक है, जो चाहता है वो लिख लिए स्टूडेंट टेबल पे के कौन सी कॉलम, और कॉलम के अंदर कॉलम का नाम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे गाइस। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया, कॉलम का नाम करेक्ट लिखिए गाइस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रोल नंबर। यहाँ पे क्या मैंने बताया कि ये जो फॉरेन की जिसको आप डिफाइन करना चाहते हैं, जिसको आप डिपेंड कराना चाहते हैं, उस ना कॉलम का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन की के बाद, फिर किस पे डिपेंड कराना चाहते हैं उसका हम ना उस टेबल का नाम लिखेंगे, फिर उस कॉलम का नाम लिखेंगे किस पे ये डिपेंड करना चाहता है, राइट गाइस। तो यहाँ मैंने स्टूडेंट रोल नंबर, फिर अब मैं इसको पूरा ये जो यहाँ पे लगाया था ना सिंथेसिस कॉलम स्मॉल ब्रैकेट, तो उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, सेमी कोलन लगा के इंटरप्रेट करता हूँ। सो गाइस ये हमारा ये टेबल बन चुका है। चलिए देख लेते हैं कि फॉरेन की बना कि नहीं, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। डेस्क लाइब्रेरी बनाया था, डिस्क्राइब करिए लाइब्रेरी को। देखिए यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी की बनाया था, तो वो पी आ गया, देखिए प्राइमरी की। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रोल नंबर जो STUROLL को बनाया था उसको फॉरेन की दिखी गैस, उसको मैंने फॉरेन की बनाया था ना यहाँ पे दिखी गैस, तो इसलिए ना यहाँ पे MUL लिखा हुआ है यार। MUL का मतलब होता है कि ये हमारा ना फॉरेन की बना हुआ है, राइट गैस। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं कि ना ये फॉरेन की वर्क कैसे करता है, राइट गैस। तो अब हमने इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि इतने लोग एक स्कूल में इतने लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे मान लीजिए क्लास अगर सेम रहता तो एक क्लास के अंदर इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं, राइट गाइस। वो आए लाइब्रेरी में, उन्होंने ना बुक इशू कराई, तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे रिक्वेस्ट काफी ढेर सारे ना स्टोर पहले इंसर्ट कर लेता हूँ, फिर आपको लेके चलता हूँ, फिर आपको फिर समझाता हूँ। पहले मैं इंसर्ट कर लेता हूँ ढेर सारे डेटास को। सो गाइस मैंने यहाँ पे काफी ढेर सारे वैल्यू को इंसर्ट करके रख लिया है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं मैंने इंसर्ट क्या क्या किया है। सेलेक्ट, यहाँ देखिए मैंने स्टोर करके रख लिया है कि ये जो 1035 रोल नंबर का बंदा था उसने फिजिक्स की बुक जिसका बुक आईडी था 63। ये यहाँ पे मैं बात आपको बताना भूल गया था गैस कि ना यहाँ जितने भी आपने स्टूडेंट के जो रोल नंबर इनपुट करेंगे, अगर आपने इसको स्टूडेंट के रोल नंबर को फॉरेन की डिफाइन किया है तो ना आप वही वैल्यू इंसर्ट करेंगे यहाँ, मतलब स्टूडेंट का वही रोल नंबर इंसर्ट करेंगे जो आपके स्टूडेंट टेबल में ना जो रोल नंबर दिए वही हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ इसको नीचे कर लेता हूँ गैस। देखिए यहाँ पे देखिए गैस, सबसे पहले ये देखिए
यहाँ पे 01035, यहाँ देखिए यहाँ भी रोल नंबर वो 1035 देखिए गैस है। और गैस यहाँ पे एक और कंडीशन है कि ना अगर आपने स्टूडेंट रोल नंबर को किसी दूसरे टेबल के ना दूसरे टेबल का जो कॉलम है उससे डिफाइन करना चाहते हैं, फॉरेन की बनाना चाहते हैं, दूसरे पे डिपेंड कराना चाहते हैं, तो ये कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो रियल रोल नंबर और दूसरे जो स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर है वो हमेशा प्राइमरी की ही होना चाहिए गैस। अगर वो प्राइमरी की नहीं है तो आपका एरर आएगा, टेबल क्रिएट ही नहीं होगा, चाहे आप जो कर लीजिए, आपको यहाँ पे प्राइमरी की रोल नंबर को बनाना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग मैंने आपको दिखा दिया था कि मैंने रोल नंबर को ना प्राइमरी की बनाया हुआ है, सो गाइस इसीलिए ये हमारा फॉरेन की ऑटो आराम से ही बन गया था गाइस। तो चलिए अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट कर रहे हैं, अगर मैं ना ये जितने रोल नंबर्स दिए हैं इस रोल नंबर्स के बाहर से करता हूँ, अगर इनको छोड़ के दूसरा मैं रोल नंबर इनपुट करता हूँ, मतलब कोई नया स्टूडेंट आया, मतलब वो अपना फर्जी रोल नंबर बताया, तो देखिएगा गैस वो इनपुट ही नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इंसर्ट इनटू, चलिए रोल नंबर मैं यहाँ पे जो इसमें एग्जिस्ट ना करता हूँ 92 वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 92 लिख लेता हूँ गैस, देख लेते हैं 92 नहीं एग्जिस्ट कर रहा। यहाँ चलिए मैं बुक का नाम कुछ भी दे देता हूँ, हिंदी दे देता हूँ, राइट गैस, बुक का नाम मैंने हिंदी दे दिया। और यहाँ पे बुक की आईडी प्राइमरी की इसको डिफाइन किया था, इसलिए बुक की आईडी हमेशा चेंज करना जरूरी है गैस। यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया। अब देखिए गैस क्या मैंने आपको बताया कि ना यहाँ 92 ना मैंने ना वो इनपुट 92 यहाँ पे जो स्टूडेंट का ये स्टूडेंट रोल नंबर जो इनपुट किया है, स्टूडेंट रोल नंबर 92 मैंने इनपुट किया, और जो कि ना रोल नंबर स्टूडेंट के ना रोल नंबर ये जो कॉलम है इसमें ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो देखिए गैस क्या आता है हमारा, देखिए गैस एरर आया। क्यों एरर आया गैस मैंने आपको समझा दिया, देखिए इसमें पूरा रीजन दिया हुआ है, कंस्टेंट लाइब्रेरी IBFK मतलब फॉरेन की, देख सकते हैं फॉरेन की स्टूडेंट रोल नंबर रेफरेंस स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ देखिए स्टूड रोल नंबर रेफरेंस स्टूडेंट रोल नंबर, मतलब कि इसको नहीं ये ना फॉरेन की हमने इसको बनाया था स्टूडेंट रोल को, इसीलिए गैस ने यहाँ देखिए रोल नंबर के बेसिस पे, तो रोल नंबर के बेसिस पे बनाया था, तो इसका मतलब क्या रोल नंबर में स्टूडेंट के रोल में हम वही इनपुट कर सकते हैं, नहीं सॉरी लाइब्रेरी में जो हम स्टूडेंट रोल इनपुट करेंगे वो हम वही इनपुट कर सकते हैं जो हमारा स्टूडेंट के रोल नंबर में ना जो रोल नंबर एग्जिस्ट करता हो, राइट गैस। गैस अब यहाँ चलिए हम रोल नंबर सेम करके देखते हैं क्या इनपुट हो पाता है कि नहीं। यहाँ चलिए 4 1 9 6 4 नाम के बंदे ना लिया, देखिए गैस अब क्वेरी ओके, मतलब लाइब्रेरी नाम के जो लाइब्रेरी नाम का जो हमारा बनाया था हमने उसमें ये इंसर्ट हो गया है आराम से रहे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ना अब फॉरेन की और ना ये जो फॉरेन की का ना जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे लाइब्रेरी वाले सर भी आप ये करेंगे सेलेक्ट एस्ट्री फ्रॉम ऑल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन लेनी है इसलिए मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक लगाया, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आप लगा सकते हैं, एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट जो पहले वाला जो जो दो टेबल का चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे, एक स्टूडेंट और एक लाइब्रेरी, दोनों टेबल का नाम मैंने लिख दिया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने इसको चलिए इंटरफेस कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वेयर, क्या वेयर जहाँ पे ये जो लाइब्रेरी का ना स्टूडेंट रोल है वो ना किसके इक्वल हो, स्टूडेंट के ना रोल नंबर की इक्वल हो, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेयर यहाँ पे लाइब्रेरी का, तो क्या करने है सिंपल जो कॉलम का नेम है वो लिख देना है, कहने मतलब क्या है लाइब्रेरी में कौन सा कॉलम था स्टू रोल नंबर और यहाँ पे कौन सा कॉलम था रोल नंबर, तो जब ये दोनों इक्वल हो तभी दिखाना चाहिए, यानी कि अब मैं चाहता हूँ कि वही सेम नंबर शो करें जो जो जिन्होंने ना बुक इशू कराया है, तो उसके लिए मैं यहाँ ऐसे लिखूँ। मान लीजिए गैस मैं आपको इसी में एक और चीज़ आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ना यहाँ मान लीजिए कि आपने ना जो लाइब्रेरी नाम का जो आपने टेबल बनाया यहाँ पे भी आपने ना रोल नंबर लिखा है, मतलब कॉलम का नेम ना दोनों जगह सेम लिखा है, तो वहाँ पे ये यहाँ क्या सिर्फ आपको डिफरेंस करना होगा, यहाँ पे जाके ना उस टेबल का नाम लिखें, जैसे ये स्टू रोल नंबर स्टूल रोल ना कौन से टेबल का है लाइब्रेरी, तो यहाँ पे लिख देंगे लाइब्रेरी, फिर लिख क्या लिखेंगे डॉट पॉइंट डॉट लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा लाइब्रेरी कि मैं ना जो स्टूल रोल नाम का जो
कॉलम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, स्टूडेंट। यहाँ पे इसको इधर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट डॉट। अगर सेम हो तो क्या, अगर यहाँ पे देखिए डिफरेंट है तो मैं चाहता था इसको यूज ना करता, पर मैं आपको सारे कंडीशन बताता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूज करके दिखा दे रहा हूँ गाइस, राइट गाइस। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेमी कोलन, इंटरफेस करता हूँ, तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ना ये जो ऑडियो नाम का जो बनता था जिसका क्लास 78 है, बुक आईडी 56, बुक का नेम था हिंदी, और ना स्टूडेंट का रोल नंबर की दो बार रिपीट हुआ ना गाइस, क्योंकि यहाँ पे स्टू रोल नंबर और यहाँ पे रोल नंबर, मालूम चल गया कि ना ऑडियो नाम के बंदे ने जिसका रोल नंबर 1964 था उसने हिंदी बुक जिसका बुक आईडी 56 था इशू कराई थी, और यहाँ पे एक्सप्रेस नाम के बंदे ने फिजिक्स बुक इशू कराई थी जिसका रोल नंबर 035 है और बुक की आईडी। ऐसे मुझे मिल गया सारे रिकॉर्ड्स की ना किसने कौन कौन सी बुक इशू कराई है। अब देखिए गाइस यहाँ पे देखिए ये जो एक्सप्रेस नाम का बंदा है इसने तीन बुक इशू कराई थी, तो यहाँ देखिए एक्सप्रेस नाम का एक यहाँ पे आया, फिर एक्सप्रेस नाम का फिर से आया, तो गैस देखिए रोल नंबर सेम है गैस, तो जितनी बार वो बुक इशू कराया रहेगा उतनी बार ये डाटा आ जाएगा गैस यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक्सप्रेस नाम का मालूम चले तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं कि ना अगर आप गए सिर्फ आप ही गए लाइब्रेरी वाले सर के पास बोले कि, और आप गए जाके बोल दिए कि ना सर आप मेरा इसे दिखाइए कि ना मेरे मैंने कौन कौन सी बुक इश्यू कराई है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी, यहाँ पे इंटरप्रेस करता हूँ और फिर सब कुछ सेम रहेगा गाइस। फिर यहाँ पे एक और कंडीशन दे देंगे आप, एंड कंडीशन देना जैसा मैंने आपको वेयर क्लॉज की वीडियो में बता दिया था, यहाँ पे मैंने फिर मैं लगा दिया एंड वेयर स्टूडेंट का नेम क्या होना चाहिए, जो आपका नेम हो वो वहाँ लिखेंगे नेम। यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम भी लगा सकते थे, पर जो क्योंकि लाइब्रेरी नाम के में कोई नेम नाम का ना कोई कॉलम नहीं है, देख सकते हैं कोई नेम नाम का कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कोई नेम नाम का कोई कॉलम नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्ट नेम लिख दे रहा हूँ, नेम इक्वल टू यहाँ पे अपना नाम दे दी। मान लीजिए मैं एक्सप्रेस नाम का मैं चाहता था ना कि एक्सप्रेस नाम के बंदे ने कौन कौन सा किया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेस, राइट गाइस। तो मैं इंटरप्रेस करता हूँ, देखिए अब मुझे मालूम चल गया कि एक्सप्रेस नाम के बंदे ने ये फिजिक्स की बुक इशू कराई, फिर पाइथन की बुक इशू कराई, फिर सीएस की बुक इशू कराई, राइट गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉरेन की से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गए होंगे, और गाइस फॉरेन की का इम्पोर्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फॉरेन की ना दूसरे रोल मतलब दूसरे ना वैल्यूज को इनपुट नहीं होने देता, यानी कि ना मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबसे पहले ही बता दिया था कि ना अगर आप ना जब इनपुट कर रहे होंगे लाइब्रेरी नाम के ना जो टेबल में, अगर आप वहाँ पे ना स्टूडेंट के रोल नंबर से ना मिला के अगर आपने मैचिंग वैल्यू नहीं इनपुट की तो एरर आएगा गाइस, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो फॉरेन की का ये भी इंपॉर्टेंस होता है, हो सकता है कि ना अब आपके लाइब्रेरी वाले सर आराम से उस ना बंदे को पकड़ सकते हैं कि जो स्कूल में एग्जिस्ट ही ना करता हो, राइट गाइस। और फॉरेन की का बनाने की कंडीशन भी बता दिया था, अगर आप फॉरेन की बना रहे हैं तो ना जिस वैल्यू पे आप डिपेंड कराना चाहते हैं, जिस टेबल के वैल्यू पे डिपेंड कराना चाहते हैं वो भी प्राइमरी की होना मस्ट है गाइस, वो प्राइमरी की होना ही चाहिए तभी वर्क करेगा, क्योंकि प्राइमरी की दो यूनिक होता है, वो रिपीट नहीं होता और नल वैल्यूज उसकी नहीं होती, इसीलिए ना फॉरेन की ना उस पर डिपेंड करता है। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ दे कि फॉरेन की हमेशा प्राइमरी की पे क्यों डिपेंड रहता है, तो इसका रीजन आप ये लिखेंगे कि क्योंकि हमेशा वो जो प्राइमरी की होता है क्योंकि वो हमेशा यूनिक होता है और कभी नल नहीं होता, इसीलिए फॉरेन की हमेशा प्राइमरी की पे डिपेंड करता है, राइट गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉरेन की से रिलेटिव सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा गाइस, हम उसका रिप्लाई देने की जल्दी जल्दी पूरी कोशिश करेंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।